प्यारे साथियों, अगर आप 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए धांसू क्लास शुरू हो चुकी है। और आज की क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आपको हम बता दें कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया गया है, जो कि साइंस यानी कि विज्ञान के कुछ ऐसे 50 प्रश्न है, और देखते हैं कि आप सभी क्या उसका जवाब दे पाते हैं। और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जितना भी प्रश्न है वे बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो आप वीडियो को मिस ना करेंगे। और आपको बता दें, देखिए आपके लिए क्लास बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू कर देंगे पिछले साल के बाद। इस साल आपको टॉपर देने के लिए मतलब गजब तरीके की इस साल तैयारी आपके लिए की गई है, और आपको बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाएगी। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा बस आपको मेहनत करनी है, सब कुछ हम आपको करके अब देंगे। आपको अब दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट, लाइव क्लास, आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, मतलब हर तरीके की आपके लिए पूरी जानकारी और पूरी क्लास आपको हम संपूर्ण कराने वाले हैं। जितने क्वेश्चन पूछे जाते थे, जितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सब कुछ कंप्लीट होगा। इसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले करेगी, है ना, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। और इतनी अच्छी कमाल वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और मां सरस्वती का नाम लीजिए। आइए क्लास को शुरू करते हैं। और जब भी आप बैठ पा रहे हैं ना पढ़ने, तो आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, क्योंकि जो भी चीज आपको बता रहे हैं उस चीज को आप नोट करते जाइएगा। ओके, और बता दें आपको कि जो भी आपको मतलब कि समझ में नहीं आता या कुछ आपको ये चाहिए कि हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पहले से पता नहीं है, उसका स्क्रीनशॉट फटाफट से आप ले लीजिएगा। बिल्कुल, चलिए तो क्लास को शुरू करें। फटाफट से मास्टर सदी के नाम लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आप बिहार बोर्ड में 2022 में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं और बुक नहीं करते हैं, मेरा गेस्ट पेपर खुद का आया हुआ है, मार्केट में आप जाकर के खरीद सकते हैं। डीएलएस एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जाकर के मांगिएगा तो मिल जाएगा, या मंटू सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए आया हुआ है, वो आप जाकर के दुकान में मांगिएगा तो मिल जाएगा। फिलहाल आइए क्लास को शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक बढ़िया से देखिएगा क्लास, है ना, और आप हमारे हर एक सोशल प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, फेसबुक वगैरह सबसे जुड़ जाइए, जिससे कि वहां पे पीडीएफ वगैरह हर चीज आपको मिल जाए, है ना, क्लास में जुड़ जाएगा, सब चीज का आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, और इसका आपको जवाब बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन कब का पूछा गया, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2012 में और 2000 आप देख सकते हैं कि 17 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2012 और 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, आपको फटाफट से इसका जवाब है बता देना। देखिए क्वेश्चन आपके है स्क्रीन पे, और फटाफट से आपको बताना है इसका जवाब। क्वेश्चन देखिए आपको पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। क्या शानदार क्वेश्चन है, और शानदार तरीके से आपको जवाब देनी है, तो फटाफट बताइए क्या वह जल है, कांच है, प्लास्टिक है, फिर मिट्टी है। बिल्कुल फटाफट से आप लोग बताते रहिए, बहुत ही शानदार है। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी। बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल मिट्टी हो जाएगा। जितने भी बच्चे डी नंबर दे रहे हैं वो ताली मारिए, क्योंकि आपका आंसर सही हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला मेरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, वैसे तो हम सभी प्रश्न का आंसर जो आपको हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन आप अपनी से बताने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, मतलब बना करके आपको बताना होगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायरेक्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यार यह 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको हम आज बताने वाले हैं, सबका सब क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक से, कि और आपको बताएंगे कि यह क्वेश्चन कब कब पूछा गया, ये भी चीज आपको बता देंगे, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है। और बता दें कि हर एक सब्जेक्ट का आपकी क्लास चलेगी, आपको किसी तरह के डाउट्स नहीं रहेगा। चलिए तो फटाफट बताइए। बिल्कुल, तो आप बता दें कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे फोकस दूरी जब बताना है तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, पी बराबर 1/f। लेकिन 1/f कब होता है, जब यह मीटर में होता है, लेकिन जब यह सेंटीमीटर में आपको आंसर याद करनी होती है तो यहाँ पे आपको पता है कि 100 होती है, यानी कि 100/f, ठीक है। तो यानी पी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 1 डायरेक्टर, ओके, यहाँ पे जब 1 तो बराबर 100, और नीचे f का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना ही करना है, तो f यहाँ पे हम रख देते हैं, उसके बाद से तिर्यक हम लोग गुणा कर देते हैं। तो 1 में यहाँ से देखिए f से गुणा करेंगे तो f हो जाएगा, और 1 में 100 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, यानी कि f इक्वल टू हो जाएगा 100, तो 100 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो अब आप ये देखिए कि 100 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन जो है वह कहां पे दिया गया है। बिल्कुल, तो आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी में। लेकिन एक चीज यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, एक यहां पे प्लस में दिया गया है और एक यहां पे माइनस में ऑप्शन दिया गया है। आपका यहां पे प्लस वाला होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा अगर उत्तल लेंस रहेगा,
ठीक है, उत्तल लेंस रहेगा तब तो उसका आंसर प्लस में आएगा, अगर माइनस रहेगा तो समझिए वो अवतल हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्या वह उत्तल लेंस पूछा गया है या फिर अवतल लेंस पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तल लेंस पूछा गया है, तो जब उत्तल लेंस पूछेगा तो उसका मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। चिन्ह परिपाटी नियम आप जरूर पढ़े होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि सर इस पे हमको एक वीडियो चाहिए, तो बिल्कुल इस पे एक वीडियो हम ला करके आपको दे देंगे, बहुत खुशी की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए 2016 और 2021 दो बार क्वेश्चन ये पूछ दिया गया था आपके एग्जाम में, तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के परिवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम होते हैं, है ना, और कौन कौन से नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, ये पूछा जाता है। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप सभी को पता है बिल्कुल ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। बाबू कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। तो आपको शानदार तरीके से शानदार क्वेश्चन को याद करके रखना है और स्क्रीनशॉट आपको ले लेनी है, है ना। चलिए अगर आप नहीं ले याद आपको नहीं है तो आप फटाफट से आपको याद करते जाना है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, देखिए अब तो ये क्वेश्चन आ ही गया यार, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इसका शानदार तरीके से जवाब देना है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन 2012 में, है ना, 2015 में, ठीक है, 2015 के सप्लीमेंट्री भी के यानी कंपार्टमेंट का जो एग्जाम होता है उसमें, 2020 में, 2021 में, मतलब काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आप फटाफट से इसके आंसर बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। वैसे तो हम इसके उत्तर बताएंगे, बिल्कुल प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन के दो दो ही नियम होते हैं, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं और परिवर्तन के भी दो नियम होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसमें दो इसका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि जितने भी बच्चे ऑप्शन बी नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि आप अगला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करते हैं, किस पे लॉक करवाते हैं आप। बिल्कुल अगला नंबर क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन 2015 में, 2019 में, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे ही, आपको बस याद कर लेनी है। कान में ईयरफोन लगाइए, एक कोने में शांत जगह जाकर के बैठ जाइए, वीडियो को देख लीजिए, अगर आपका आपके पास ईयरफोन है कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप शांत जगह जाकर के आप एकदम दिमाग को शांत करके बैठिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है आपको ये बताना है। देखिए ये क्वेश्चन 2015 में, है ना, 2019 में, है ना, 2021 में, ये देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार। तो शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से आपको जवाब देना है, तो फटाफट बताइए। बिल्कुल आपको पता है कि साइन आई वटे साइन आर होता है, है ना, साइन आई वटे साइन आर होता है, जो कि हम लोग ये म्यू के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है म्यू के इक्वल होता है, है ना, यानी कि साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। तो ऑप्शन कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और फटाफट से मजा आ रही है तो यार लाइक कर दो वीडियो को और आप देखिए समय से क्लास लीजिए। आपको वैसे हम बता दें कि रात्रि को 8 बजे एक क्लास चलती है, ठीक है, 8 बजे, ओके, और एक क्लास आपको हम बता दें कि सुबह में 6 बजे चलती है। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहेंगे, जो क्लास हम आपको अपलोड करते हैं चलाते हैं, तो देखिए कोशिश कीजिए कि आप समय से पढ़ने आए, अगर किसी कारणवश आप अगर आप नहीं आ पाते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी क्लास को ले लीजिएगा, क्लास अपलोड रहेगा। देखिए सुबह 6 बजे, याद रहे सुबह 6 बजे और रात्रि को 8 बजे, ये दो क्लास अभी फिलहाल के लिए चल रही है। जब आप जुड़े रहिएगा तो आपको सब चीज बता दिया जाएगा कि अगर क्लास का समय बदलता भी है तो। चलिए वैसे कोशिश करेंगे समय न बदलने के लिए, लेकिन आगे की क्या बात है ना उसके बारे में हम बात करेंगे जब हमसे जुड़े रहेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन, शानदार तरीके से आप जवाब दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस किस प्रकार से होता है। बिल्कुल तो आप सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस जो है वह इस प्रकार से होता है, ठीक है, किस पर, अरे गड़बड़ हो गया ना जी, अच्छा अच्छे से बना देते हैं। चलिए उत्तल लेंस आपको पता है कि इस प्रकार से होता है, किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। आप देख सकते हैं ये किनारे पे क्या होता है जी, पतला होता है, कहेंगे सर पतला होता है, अब बीच में इसके मोटा होता है, है ना, उत्तल लेंस कैसा होता है, तो किनारे में पतला होता है, बीच में मोटा होता है, तो इसी को आपको टिक कर देना है। तो फटाफट से बताइए कि उत्तल लेंस जो है वो क्या है, तो बीच में
मोटा और किनारे पे पतला, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वह फटाफट से बता दीजिए कि ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी कि किनारे भी पतला होता है बीच में मोटा होता है। अगर हम बात करते हैं अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस किस प्रकार से होता है बाबू, तो आपका होता है इस प्रकार से, आप सभी जानते हैं, देखे हैं, है ना, समझे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए ये इस प्रकार से थोड़े से अच्छे से बना देते हैं, इस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है कि किनारे पे ये देखिए मोटा होता है, ठीक है, और यहाँ पे किनारे पे मोटा होता है और यहाँ बीच में जो होता है पतला होता है, ठीक है, यहाँ पे पतला होता है और यहाँ पे आपका मोटा होता है। ओके चलिए, तो समझ गया ये चीज को। चलिए आगे बात करते हैं, तो आएगा अगर क्वेश्चन यहाँ पे अगर उत्तर लेंस की जगह अवतल लेंस तो आप बता दीजिएगा, बिल्कुल बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, काफी शानदार क्वेश्चन है क्योंकि 2018 में पूछा गया था, तो समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जा ही सकता है। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, मतलब जो सोलर कुकर होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या फिर आगे ऑप्शन आपको हम दिखा देते हैं, देख सकते हैं समतल दर्पण या फिर उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों, कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है तो आपको बताना चाहेंगे। देखिए जो सोलर कुकर होता है ना उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का ऑप्शन नंबर ए में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बस आपको दिमाग में इसको बैठा लेना है ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फटाफट से आपको करके चले आना है। अगला देखिए, है ना, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। देखिए आपको हम बता दें कि जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वे सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ष पूछा ही गया होगा और काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया था, है ना। तो देखिए शानदार तैयारी आपको करना है तो शानदार क्वेश्चन भी तो चाहिए, बिल्कुल। तो इसीलिए देखिए टाइप करके हर चीज में एकदम प्रोफेशनल तरीके से हम कोशिश करते हैं आपको बताएं समझाएं जिससे कि दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा की अपेक्षा हवा में इसकी फोकस दूरी क्या होगी, माफ कीजिएगा, ये देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होती है, कम होती है, या अपवर्तित हो जाती है, या फिर आप देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं होगा, क्या होगा आपको ये बताना। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और समझ करके तब इसके बारे में इसका उत्तर आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन एक बार और सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है, अधिक होती है, कम होती है, अपवर्तित रहती है, फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो बता दें आपको, याद कर लीजिएगा फटाफट से कि कम होती है, कैसी होती है, कम होती है, यानी कि ऑप्शन जो आपका इसमें हो जाएगा वो बी नंबर बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आपको इस बात को याद करके रखनी है। चलिए आगे बात करते, ओके चलिए, तो हम सभी का ये अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शब्दकोश, ध्यान समझिएगा, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब देना है, शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से पढ़ना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कह रहा है कि किसी, देखिए यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे किसी होगा, ठीक है, यहाँ पे इसको लिख दीजिए किसी, है ना, किरी हो गया ना जी, किसी। चलिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से किस लेंस कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अगर किसी शब्दकोश में छोटा छोटा अक्षर लिखा गया होगा तो छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप किसका प्रयोग कीजिएगा, आपका ऑप्शन आपके सामने है और क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, ठीक है, 2018 में पूछा गया था यह क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आपको ध्यान से आपको बताना है, है ना, तो फटाफट से इसका उत्तर बता दीजिए, बिल्कुल। तो आप बताना चाहेंगे कि आप प्रयोग कीजिएगा एक अवतल लेंस, लेकिन लगभग 50 सेंटीमीटर का अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो यानी कि 50 सेंटीमीटर का एक अवतल लेंस का प्रयोग कीजिएगा, है ना। देखिए छोटे छोटे अक्षरों को देखने के लिए एक अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ओके, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसका जवाब दीजिएगा शानदार तरीके से। देखिए जो बच्चे जवाब देते रहेंगे ना उनका तो समझिए मतलब काफी बढ़िया जबरदस्त तरीके से उनका जो है वो नंबर आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन आपका देखिए शानदार तरीके से शानदार क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है और सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कह रहे हैं कि प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है, और क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था, पूछा गया था ना, बिल्कुल। तो बताना है आपको कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, आपको ये बताना है कि प्रकाश जो तरंग है उसका उदाहरण आपको बताना है कि क्या होगा, बिल्कुल। तो आप इसका जवाब है शानदार तरीके से शानदार क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए, बिल्कुल। तो आपको बताना चाहेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि परावैगनी तरंग है, ठीक है, कौन सी तरंग है, परावैगनी तरंग हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है,
परावैगी तरंग, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर, बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको मिटा करके हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत शानदार क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2018 में पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ, यानी कि दांत के जो विशेषज्ञ होते हैं, जो डॉक्टर मान लीजिए होते हैं, वो किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, यानी कि जो दांत के विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं वो किसका उपयोग करते हैं, ठीक है, मरीजों के जो दांत को है उसको देखने के लिए बढ़िया तरीके से, उसको ठीक वगैरह करने के लिए किस चीज का, किसका जो है उपयोग करते हैं। बस आपको इसी चीज के बारे में और इसी का जवाब आपको बता देनी है ना। बिल्कुल, तो आपको बताना चाहेंगे कि वे लोग भी करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आपका बड़ा ही बनेगा। तो यानी कि अवतल जो आपका दर्पण है, अवतल दर्पण, इसका भी प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और जितने भी बच्चे ऑप्शन बी नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि करेक्ट आंसर है। चलिए, बिल्कुल सही है। अगला देखिए प्रश्न, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए इस क्वेश्चन को तो मतलब कि आप रट ही लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछा ही जा सकता है। देखिए वैसे तो ये 2018 में पूछा ही गया था। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस का, देखिए एक होता है अभिसारी लेंस, एक होता है अपसारी लेंस। तो किस लेंस को हम लोग अभिसारी या अपसारी कहते हैं, आप बताना है। पहले सबसे पहले आपको अपसारी यहाँ पे पूछा जाए, बताइए फटाफट से। देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, या फिर इनमें से कोई, आपको ये बताना है। तो बहुत ही देखिए शानदार क्वेश्चन है और शानदार तरीके से आपको जवाब बताने हैं। बिल्कुल, तो देखिए औपचारिक जब भी पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, औपचारिक जब भी पूछेगा तो अवतल होगा, अवतल होगा, अवतल लेंस, ठीक है। और यदि औपचारिक पूछेगा, अभिसारी पूछेगा, माफ कीजिएगा, अभिसारी, अगर अभिसारी पूछता है तो आपका होगा उत्तल लेंस। ओके, तो इतना बात आपको याद करके रखनी है। कितना बात? बिल्कुल इतना बात आपको याद करके रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका उत्तर पहले बता दें क्या हो जाएगा। बिल्कुल, तो क्योंकि यह अपसारी है तो अपसारी के लिए अवतल हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो जो अगला प्रश्न है हम सभी का, वो कह रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न थोड़ा सा लंबा आपको दिख रहा है, लेकिन बहुत ही शानदार प्रश्न है, और यह भी क्वेश्चन 2018 में ही पूछा गया था। ओके, तो शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब दीजिए कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होगी। किस चीज को मापने की जरूरत होगी, आपको इसका जवाब बताना है। तो बिल्कुल आप ऑप्शन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। कह रहा है कि दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, या दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, या ए फिर बी दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और शानदार तरीके से आपको जवाब देनी है। देखिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कह रहे कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है। ओके, यहां तक बात सही है। उसके बाद कह रहे हैं कि दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए, अब देखिए अब दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे निर्धारित करनी है, तो निर्धारित करने के लिए जो है उसको अब कहां पे नापा जाना चाहिए, ये आपको आपको यहां से बता देनी है। ठीक है, मतलब ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए आपको बताना चाहेंगे इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को भी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को भी, ये दोनों चीज को मापना होगा और फिर जाकर के ये सही रूपेण होगा, यानी कि ए बी दोनों जो है ऑप्शन, ये आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, और अगले नंबर प्रश्न का देखिए अगला देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और देखिए प्रश्न के आराम से भी ध्यान से समझिएगा। कह रहे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्तकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, व्यास जो है ना वो क्या कहलाता है। और क्वेश्चन जो है ये 2018 में पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था। आपको देना है इसका फटाफट से जवाब। आप ऑप्शन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, या फिर वृत्तकार त्रिज्या कहते हैं, या फिर प्रधान अक्ष कहते हैं, या फिर गोलीय दर्पण का द्वारा कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। कह रहा है क्वेश्चन की गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्तकार सीमा रेखा का व्यास जो है वो क्या कहलाता है। तो देखिए वह जो कहलाता है वह दर्पण का द्वारा कहलाता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारा कहते हैं। इस बात को आपको पता है ना, और नहीं पता तो याद कर लीजिएगा कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारा कहते हैं। ओके, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा, और ये भी प्रश्न 2018 में ही पूछा गया था। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा,
कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी आपको बताना है जबकि वक्रता त्रिज्या आपको 32 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि r बराबर 32 जब सेंटीमीटर दे दी गई है तो हम लोग का f का वैल्यू बता देना है। तो f का वैल्यू आपका क्या होगा, जल्दी फटाफट से आप फाइंड कर दीजिए, क्योंकि आपको देखिए पता है कि f बराबर क्या होता है, r बटे की 2 होती है। तो यानी कि यहाँ पे r का वैल्यू जो है वह कितना दिया गया 32, तो 32 बटे 2 यानी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, और 16 सेंटीमीटर यहाँ पे उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में होगा प्लस, यानी कि प्लस 16 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए प्लस 16 सेंटीमीटर कहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, तो ऑप्शन दिया गया है किसमें, तो सी नंबर में दिया गया है, यानी कि सी नंबर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लस का 16 सेंटीमीटर। ओके कैसे आया ये, बिल्कुल आप सभी याद करके रखिएगा ये फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है। बता दें कि यहाँ पे हो सकता है ये अंक यहाँ पे चेंज करके कोई दूसरा अंक पूछते, आप बस इतना याद करके ना, एफ बराबर होता है आर बटे टू। अब आर का जितना मान दिया गया होगा उसको आपको आधा कर देना है, तो यहाँ पे 32 दिया गया था, 32 को आप 2 से भाग दे दीजिए या 32 को आधा कर दीजिए, 16 आ जाएगा, 16 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको पहले इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन जो है उत्तल दर्पण में फिर अवतल दर्पण में, अगर उत्तल होगा तो प्लस में आंसर आएगा, अवतल होगा तो माइनस में आंसर आएगा, इस बात को आपको ध्यान देना है ना, याद करके इस चीज को रखना। अगला क्वेश्चन को बताइएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2019 में भी और 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछ ही दिया गया था। तो क्वेश्चन क्या है, कितना शानदार है आप देख सकते हैं, और इसका आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपको फटाफट से तरीके से आपको बता देनी है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कौन देते हैं, कौन स्टूडेंट दे पाते हैं। देखिए बहुत ही मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है कि आवर्धन का एसआई मात्रक, सिंपल भाषा में आपको बताना चाहे तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना है, आवर्धन का एसआई मात्रक बिल्कुल आपको बताना है, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि मात्र विहीन होता है, यानी कि आवर्धन का किसी प्रकार का मात्रक नहीं होता है, यानी कि मात्रक विहीन होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मात्र विहीन होता है। समझ में आ गया इस चीज को, चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप यदि हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, टेलीग्राम आप जाकर के सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे DLS Education जो चैनल का नाम है EDUCATION DLS Education, ये जाकर के सर्च कीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। चलिए वहां पे सब चीज आपको इन्फॉर्मेशन सब चीज दे देंगे, आपको वहां पे सब चीज जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हम सभी का कि टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया, देखिए आगे की दर्पण में ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप, देखिए अग्र जो दीप होती है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए आपको बताना चाहेंगे वह टॉर्च हो गया चाहे वाहन हो गया उसमें प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, बिल्कुल। तो जो बच्चे अवतल दर्पण बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। देखिए अगर साइड मिरर में पूछे गाड़ियों के साइड मिरर में तो उस समय उत्तल का प्रयोग होता है, लेकिन जब यह अग्रदीप में कहे तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये बच्चे देखिए एग्जाम के समय तक बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में, तो आपको हम पहले ही कंफर्म करा देते हैं कि देखिए ऐसा दिक्कत आपको ना हो। ओके चलिए तो इस चीज को ध्यान में आप रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि वाहनों के, देखिए अब यहाँ पे पूछ भी दिया गया कि वाहनों के साइड मिरर यानी कि पीछे देखने वाले भी जो दर्पण होते हैं, पीछे देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया था और 2019 के मतलब कंपार्टमेंट और एनुअल दोनों एग्जाम में ये पूछा गया था। आपको पता है कि जो बच्चे मतलब कि अच्छे नंबर से पास नहीं होते हैं फिर से दोबारा परीक्षा देते हैं, तो ये उस समय परीक्षा होती है उसमें भी ये क्वेश्चन को पूछा गया था। तो बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है और भी बहुत सारे ईयर में ये पूछा गया था, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए अभी आपको हमने बताया कि जब साइड मिरर की बात की जाए है ना, या पीछे देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग किया जाए तो उस समय आप कहिएगा कि उस समय उत्तल दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है, उस समय उत्तल दर्पण होता है, लेकिन अग्रदीप की बात की जाती है तो वहां पे अवतल दर्पण हो जाती है। और एक चीज यहाँ पे आपको हम कंफर्म कर दें, देखिए अवतल दर्पण
और उत्तल दर्पण, ठीक है, ये दोनों दर्पण में अंतर क्या है, इस चीज को जरूर आप याद कर लीजिएगा। वैसे तो देखिए जब हम सब्जेक्टिव का सीरीज लेकर के आएंगे इसी तरीके से तो आपको वो मिल जाएगी। और यदि इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो समझिए जितने भी चैनल पे हमारे वीडियोज अपलोड है हर एक वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो एक भी वीडियो आप मिस ना कीजिए। और आपको बता दें कि आप किसी एक चैनल को फोकस कीजिए। आप देखिए अगर मतलब कि इधर उधर करके किसी कभी को कोई चैनल से कभी कोई चैनल से पढ़ाई करते हैं तो दिक्कत होगी। देखिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप केवल मेरे ही चैनल से पढ़ाई कीजिए। देखिए आपको जहाँ पे समझ में आ रहा है, जहाँ आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये सर हम आपको बड़े मतलब कि ये जो सर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हमको पढ़ा देंगे, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और अपना पढ़ाई कीजिए। देखिए आपकी भविष्य की सवाल है और हम नहीं चाहते कि आपके भविष्य खराब हो, है ना। तो इसलिए कहते हैं जहाँ आपको समझ में आ रही है, जो आपको लगता है कि बहुत बेटर तरीके से तैयारी कराई जा रही है, आप कीजिए, है ना। और हम भी आपको पिछले साल जो टॉपर दिए थे तो इस साल भी टॉपर देने के लिए आपके लिए बहुत शानदार क्लासेस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। मेरा खुद का बुक भी आ चुका है, किताब आ चुका है, मार्केट से जाकर के खरीद सकते हैं, है ना, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। अब जाकर के सिर्फ और सिर्फ डीएलएस एजुकेशन बोलिएगा, डीएलएस एजुकेशन का हमको बुक चाहिए, ठीक है, डीएलएस एजुकेशन का बुक चाहिए, तो आपको वो बुक जाकर के मिल जाएगा, किताब आपको मिल जाएगा मार्केट में, या आप ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट से भी जाकर के आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो अमेजन पे जाइए और वहाँ पे मंटू सर भी लिखिएगा, या फिर डीएलएस एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बिहार बोर्ड लिखिएगा तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, या डीएलएस एजुकेशन भी लिखेंगे तो कोशिश है कि वहाँ पे मिल ही जाएगा, है ना। ओके चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको हमने बताया कि उत्तर दर्पण का ही प्रयोग होता है, जो आपको हमने बता दिया था कि साइड मिरर की बात की जाए तो उत्तर दर्पण का प्रयोग होता है। ओके चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और यह क्वेश्चन जो है 2021 में भी पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2021 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको हमारी बुक में भी मिल जाएगा। चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो देखिए लेंस की यदि फोकस की बात जब की जाती है तो लेंस में जो फोकस होते कितने होते हैं, फटाफट बताइए, पहले आप बताइए फिर हम आपको बताते हैं। बिल्कुल, और लाइक कर दीजिए यार, लाइक कर दीजिए फटाफट से, मजा आ रहा है तो आपको लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं टाइपिंग करके हर चीज के मतलब प्रोफेशनल तरीके से हमको पढ़ा रहा है, तो यार लाइक तो बनता है, बस यही लाइक ही आप लोग देते हैं तो हमें खुशी होती है इस चीज को, है ना, तो इस चीज से हमें खुशी होती है, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। ओके हाँ बिल्कुल लाइक कर दीजिए और आप चैनल पे पहले में सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे यूट्यूब का नहीं है नहीं करेंगे फिर आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो घंटी का आएगा ना उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ओके जिससे आगे से वीडियो मिले आपको, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह हर चीज मिल जाएगा, मेरे वेबसाइट हर चीज पे मिल जाएगा, मेरे वेबसाइट भी है डीएलएस ऑफिशियल, डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल आप जाइएगा ना, डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल वाले पे जाइएगा तो आपको मिलेगा, वैसा नहीं कि किसी दूसरे पे चले जाएगा, मैंने बहुत सारे नाम से मेरा बनाया गया है ना, तो उसका सब कुछ जानकारी मिल जाएगा जब आप हमसे जुड़े रहेगा। तो फिलहाल के लिए ये बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं ए नंबर, है ना, वहां पे भी आपको ऑनलाइन टेस्ट वगैरह चीज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ जो है आगे आप देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लेंस की क्षमता कैसे मात्रा क्या होता है, और ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था जी? तो 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है आपको तो सबको पता है कि डाइऑप्टर होता है, क्या होता है? डाइऑप्टर होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है, समझ में आएगा क्यों नहीं यार, आपको बस याद करते जाना है। बहुत अच्छा आसान आसान क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है, लेकिन आसान क्वेश्चन को आसान तरीके से आपको याद हो तब तो बिल्कुल तब तो आप सही करके आइएगा। हाँ बिल्कुल, चलिए अगला क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको फटाफट से इसका जवाब देना है, सोच समझ करके जवाब दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही ललीपॉप क्वेश्चन है कि प्रकाश गमन करता है, प्रकाश जो गमन करता है किस प्रकार गमन करता है, क्या वो सीधी रेखा में गमन करता है, तिरछी रेखा में गमन करता है, या टेढ़ी रेखा में गमन करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना, क्या होगा? देखिए फटाफट बताइए प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो बिल्कुल वह सीधी रेखा में गमन करता है। जितने बच्चे ऑप्शन सीधी दे रहे हैं ऑप्शन ए नंबर वह सीधी रेखा में ऑप्शन हो जाएगा इसकी। और एक बात आपको हम बता दें कि आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में गमन कैसे करती है, इसके बारे में आप बताइए। तो आपको बताना होगा कि आप इसके कई तरीके होते हैं प्रकाश को जांच करने के लिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है या फिर तिरछी रेखा में गमन करती है, कैसे गमन करती है, तो आपको ये कंफर्म होनी चाहिए। सबसे पहले बता दें कि वह सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप अंधेरे कमरे में हैं,
ठीक है, सपोज मान लीजिए अंधेरे कमरे में है और एक जगह जैसे होता है ना, जैसे मोका बोला जाता है, जो दीवार का घर होता है, वहां मान लीजिए कहीं छिद्र है, सपोज मानिए कहीं छिद्र है और जब प्रकाश निकलता है बाहर, तो जब प्रकाश निकलता है, सूर्य का प्रकाश निकलता है, तो आप देखते हैं जब वो छिद्र पे पड़ता है, तो प्रकाश जो जो छिद्र होता है ना, सिर्फ उसी प्रकार से वह जो छिद्र से प्रकाश निकलता है, सीधी रेखा में गमन करके वह जाकर के किसी दूसरे दीवार पे टकराती है। तो इससे भी हम लोग को पता चलती है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में हम लोग का क्या कर रही है, गमन करती है। ओके, इस चीज की जानकारी हो गई। चलिए, तो आप कई तरीके से इसका जवाब दे देंगे, वैसे हम जब आपको सब्जेक्ट ही बताएंगे ना, तो आपको सब चीज का जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको टेंशन नहीं लेनी, हर चीज आपको हम बताएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए आगे, फिलहाल के लिए जो हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, फिलहाल ऑब्जेक्टिव में ही ध्यान दें हम लोग, आगे हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे यार। बस टॉपर बनना है, बिल्कुल बनना है यार, टॉपर बनना है, इसके लिए कुछ भी हो जाए मेहनत करना है, हर चीज की जानकारी आपको देंगे, क्वेश्चन पेपर कैसे लिखा जाता है, क्या किया जाए क्या नहीं, बस समय तो आने दीजिए, हर चीज का एक समय होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देख सकते हैं आप। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। देखिए ध्यान से समझिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रख दिया गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति जो की कैसी होगी, काल्पनिक होगी वास्तविक होगी या काल्पनिक वास्तविक दोनों होगी, यहाँ पे ऑप्शन सी नंबर होगा, दोनों होगी या फिर वास्तविक काल्पनिक दोनों होगी या फिर इनमें से कोई नहीं होगी, आपको ये बताना है। बिल्कुल, तो आपको बताना चाहेंगे ये होगी काल्पनिक, कैसे होगी काल्पनिक, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 2019 में यह क्वेश्चन को पूछा गया था, समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। और देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ से जो फॉर्मूला जो सूत्र है, जिसे हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं, फटाफट बताइए दर्पण सूत्र क्या है, है ना, वही क्वेश्चन है आपका। और दर्पण सूत्र जो है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, अगर आपको पूरा कंफर्म याद है तो। देखिए, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 2020 में, 2021 में। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र कौन है आपको ये बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आपको पता है कि दर्पण सूत्र जो है वो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है ना, ये पता है। बिल्कुल, तो यही होता है, आपको देखना है कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, आपको ए को टिक कर देनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, और इस चीज को याद करके रखिएगा, जब आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला करके देंगे तो आपको उसमें आपको ये सब चीज मिल जाएगा, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहेंगे तब पता चल जाएगा आपको कैसे उसका यूज कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। बिल्कुल, ऊपर हमने अपसारी लेंस बताया था आपको, तो अपसारी लेंस हमने बताया था कि आपको कहा जाता है किसको, अवतल को, तो यहाँ पे अभिसारी पूछ रहा है, तो अभिसारी पूछ रहा है तो उत्तल हो जाएगा, और ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था, तो समझ सकते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके भी परीक्षा में पूछा जा सकता है ना, तो इस तरीके से आपको याद करके रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न, अगला जो हम सभी का प्रश्न है, वह प्रश्न कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी वस्तु पर, ध्यान से समझिएगा, दर्पण के सामने किसी भी वस्तु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण किस प्रकार से होगा। देखिए, सीधा दर्पण, सीधा अगर प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो वह दर्पण किस प्रकार से होगा, और यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। ओके, इसको ध्यान में आपको देना है, बिल्कुल ध्यान देना है, तो चलिए बताना है आपको फटाफट से इसका जवाब बताइए। बिल्कुल, वह जो है वह दर्पण किस प्रकार से होगा आपको ये बताना, तो देखिए वह जो दर्पण होगा वह केवल केवल समतल होगा, क्योंकि समतल दर्पण रहेगा तभी ना उसे सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। बिल्कुल, समतल रहेगा तो सीधा प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, अगला क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया था, काफी शानदार प्रश्न कि यहां से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम प्रकाश के साथ सबसे अधिक होती है। बिल्कुल, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम प्रकाश के साथ सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन क्या क्या है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, कांच में, लोहा में, पानी में या फिर निर्वात में, आप यहां से ऑप्शन देख सकते हैं, और इस प्रकार से आप आसानी तरीके से जो है वह जवाब दे सकते हैं, है ना। तो फटाफट तरीके से फटाफट क्वेश्चन को जवाब दीजिए, है ना, यानी कि शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का सबसे अधिक जो है होती है, तो आपको बताना चाहेंगे कि निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। तो याद करके रखिएगा, जब भी आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बोल दीजिएगा कि वह निर्वात है, क्या है, निर्वात है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि जो प्रतिबिंब हो वह उल्टा हो, वास्तु का समान आकार का बने। ये क्वेश्चन 2021 में पूछ दिया गया था, है ना,
तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपका इसका जवाब बता देना है। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा बकरता केंद्र पर, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर, क्योंकि हमें को कहां रखना होगा, तो वक्रता केंद्र पे हमें उसे रखना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है ये भी 2021 में पूछा गया था। प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? क्या वह सीधा आवर्धित होता है, उल्टा या आवर्धित होता है, या फिर सीधा व हर्षित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? क्या होगा आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से आपको देना है जवाब। तो फटाफट से बता दीजिए इसका क्या होगा जवाब। तो आपको बताना चाहेंगे इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा कि सीधा और हर्षित होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न है, और कह रहा है ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो यह गोलीय दर्पण कैसा हो। यह क्वेश्चन जो है 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर हो तो यह गोलीय दर्पण कैसा। देखिए क्या यह उत्तल होगा, अवतल होगा, या समतल उत्तल होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? तो देखिए ये जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर का यह पूछ रहा है फोकस दूरी का, तो इनमें से जो होगा वह कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन इसका डी नंबर वैसे हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, कि अगला नंबर हम सभी का प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, थोड़ी सी समय ज्यादा लग रही है शायद, तो हम लोग तेजी से कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? या आप लोग ये भी देखते हैं कि बाल्टी में पानी जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। आप देख सकते हैं 2021 में पूछा गया था। ओके, तो आपको इसका जवाब बताना है। बिल्कुल, तो वह अपवर्तन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ से जो सी नंबर हो जाएगा दिया हुआ है वो आपका हो जाएगा, कि तालाब का जल जो है कम गहरा दिखाई देने लगता है, इसका कारण यही होता है कि वो अपवर्तन है। अपवर्तन का परिभाषा आपको पता ही है? बिल्कुल नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब चीज हम बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगला क्वेश्चन, फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव पे ही ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वैसे अगर आपको सब्जेक्टिव भी बताते रहेंगे तो फिर समय ज्यादा लग जाएगा, और 5-10 क्वेश्चन में समझिए कि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए सबका अलग अलग आपको रखे हुए हैं, सब चीज का अलग अलग वो बताएंगे, फिर मॉडल सेट वगैरह, प्रैक्टिस सेट वगैरह हर चीज बताएंगे, दिक्कत नहीं होगी, है ना। ऑनलाइन टेस्ट, लाइव क्लास, सब चीज होगा, डाउट क्लास सब कुछ होगा। पहला क्वेश्चन की अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये 2021 कब पूछा गया था, 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो उसी समय से बता रहे थे कि माइनस वाली होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। माइनस किसको कहते हैं? ऋणात्मक कहते हैं। तो यानी कि ऋणात्मक वाली हो जाएगी, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या चीज, ई नंबर। क्या हो जाएगा? ई नंबर। समझ में आ रहा है? चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए तो याद करते जाना है आपको अगला क्वेश्चन, और आपको स्क्रीनशॉट भी लेते जाना है अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो। देखिए अगला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया प्रश्न को जो है वह पूछा गया था। प्रश्न कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर हो तो इनमें कितने कौन सा संबंध सही है। तो आपको हमने ऊपर ही बताया था कि एफ बराबर आर बाई टू होता है, एफ बराबर आर बाई टू होता है, तो आर बराबर हम लोग हो जाएगा 2f हो जाएगा। 2f कैसे हो जाएगा सर, कहिएगा सर 2f कैसे हो जाएगा? बिल्कुल कैसे हो जाएगा, आप त्रिज्या का गुणा कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो f में 2 से करेगा 2f हो जाएगा, और r में 1 से करेगा r हो जाएगा, यानी r बराबर 2f या f बराबर r / 2। इसमें देखिए कौन दिया गया है, तो f बराबर r / 2 नहीं दिया गया है, यहां पे r बराबर 2f दिया गया है, यानी कि ऑप्शन आपका दिया गया है b नंबर में। तो आपका b नंबर बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि r बराबर 2f होता है, या अगर इस प्रकार से भी दिया रहता कि f बराबर r / 2 तो f बराबर r / 2 भी उसका आंसर हो ही जाता। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है, जो कुटपाद होता है वो किसमें पाया जाता है, ये 2016 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको इसका जवाब बताना है। देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, तो बताना है कुटपाद। तो कुटपाद आपको पता होनी चाहिए कि वो अमीबा में ही पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीबा में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है 2015 में पूछा गया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से आपको देनी है जवाब। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, ये कब होता है? रात में होता है, दिन में होता है, रात दिन में होता है, या सुबह शाम होता है, ये कब होता है? प्रकाश के संश्लेषण की जो क्रिया होती है यह कब क्रिया होती है? तो आपको हम जो है बताना चाहेंगे, ये आपको पता ही है कि यह क्रिया दिन में ही होती है, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश निकलेगा, सूर्य की उपस्थिति होगी, तभी प्रकाश का संश्लेषण होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर।
और आप किन किन स्टूडेंट को प्रकाश का संश्लेषण आपको पता है कि किसे कहते हैं, ये हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखिए 50 प्रश्न को हम सभी क्या कंप्लीट करना है, जब तक 50 क्वेश्चन खत्म नहीं होगा तब तक हम लोगों को कहीं जाना नहीं है बिल्कुल। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन एक भी छुटकर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यह 2015-2017 दोनों में क्वेश्चन को पूछा गया था। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न ये है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है, नीला, हरित होता है या फिर लाल होता है, सफेद होता है। तो क्लोरोफिल का रंग जो होता है वह हरा होता है, कैसा होता है, हरा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो बस आपको ए नंबर ऑप्शन आपको याद करके रखनी है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन के रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो देखिए जब भी रक्त में हम सभी की आयरन की जो कमी हो जाएगी तो हम लोगों का एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया है आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहुंच चुके हैं 37 नंबर अब क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है क्योंकि 2014 में और 2019 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन के सामने है, आपको फटाफट से इसका दे देनी है जवाब। तो आप फटाफट से इसका जवाब दीजिए शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से, कि कवक में पोषण की कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि आपको ये बताना है, क्या वह स्वपोषी है, मृतजीवी है, सहभोजी है या फिर इनमें से कोई नहीं है, है ना। तो फटाफट बताना है, तो आपको बताना चाहेंगे कि यह मृत जीवी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, मृत जीवी है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न देखिए कह रहा है कि ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन क्या है, 2021 में पूछा गया था। ऑक्सीन आपको पता होनी चाहिए कि एक पादप हार्मोन है, क्या है, पादप हार्मोन है। तो देखिए यहाँ पे हार्मोन कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीन जो है वह आपका एक पादप हार्मोन है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है इस चीज को, तो चलिए बहुत ही बढ़िया है। अगला देखिए, मजा आ रहा होगा, लाइक अभी तक नहीं किए हैं, लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए, लाइक करने से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं बल्कि मेरा मनोबल बढ़ेगा, आपके लिए और भी अच्छा तरीके से हम काम कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, कि मनुष्य में वृक्ष संबंधित है, और यह क्वेश्चन 2013 में 2000 आपको बता दें 20 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से दीजिए जवाब। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जो ब्रीक होती है, यानी किरणी, किरणी जो होती है वह उत्सर्जन से संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है, उत्सर्जन से संबंधित होती है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ओके चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है, और यह क्वेश्चन 2013 में, 2019 में, 2021 में, ये सब जगह पूछा गया था। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस आपको इसका दे रहा है जवाब। तो बताना है आपको कि स्वपोषित पोषण के लिए क्या आवश्यक है, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या फिर आगे भी ऑप्शन दिया गया है कि सभी। तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए स्वपोषित पोषण के लिए ये तो सब चीज की जरूरत होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होगी, क्लोरोफिल होना चाहिए, प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, तभी तो जाकर के होगा, यानी कि जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और इसका देखिए आपको जवाब बतानी है फटाफट से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम घड़ी भी ला देते हैं, बिल्कुल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घड़ी आ रही, घड़ी चल रही है, देखिए बिल्कुल यहाँ पे घड़ी भी है, घड़ी आ गई, चलिए घड़ी को प्ले कर देते हैं, बिल्कुल प्ले करते हैं इसको, चलिए प्ले क्यों नहीं हो रहा जी, चलिए ये नहीं चल रहा, चल रहा, चल रहा है ना, चलिए यहाँ पे घड़ी आ गई है, सेकंड को देख करके जवाब देनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ये 2013 में क्वेश्चन को पूछा गया था। कब क्वेश्चन पूछा गया था, 2013 में, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से, ग्लूकोज से, CO2 से, फिर डिट्यूजोम से। तो आपको बताना चाहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें जो निकलता है आपका ऑक्सीजन, वो किससे निकलता है, वो निकलता है जल से, यानी कि आपका ऑप्शन जो है, आपका ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। चलिए यहाँ पे अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी, क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था। मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, आपको ये बताना है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, या वर्णी लौंग में, या फिर श्वेत रक्त कण में। तो आपको बताना चाहेंगे जो मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम, वो आपको बताना चाहेंगे कि जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वह कौन सा है। तो आपको देखिए ये क्वेश्चन के बारे में हमने आपको बताया ही था और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्योंकि देखिए ये 2016 में और उसके बाद से 2020 में भी ये क्वेश्चन को पूछ ही दिया गया था, ठीक है। चलिए तो इसका आपको जवाब बता देनी है फटाफट तरीके से, बिल्कुल। तो अब बताइए कि इसका जो होगा आंसर जो होगा क्या होगा, तो आपको बताना चाहेंगे जो उत्सर्जन है वो ब्रिक से संबंधित है ना, ब्रिक जो है वो आपको क्या है उत्सर्जन है ना, बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो इसको याद कर लेना। अगला प्रश्न हम सभी का है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, और देखिए क्वेश्चन 2019 में उसके बाद से 2020 में ये क्वेश्चन को पूछा गया कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा जो है पकड़ता है। तो देखिए अमीबा जो अपना भोजन जो है कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा आपका, माफ कीजिएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा कुटपाद हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुटपाद हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम सभी का, वह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है, मलेरिया परजीवी कौन है। 2019 में यह क्वेश्चन को पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है, आपको ये बता रहा है। ऑप्शन आपके सामने है और आपको इसका उत्तर फटाफट तरीके से बता देना है, तो आपको बताना चाहेंगे इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि प्लाज्मोडियम, क्या हो जाएगा प्लाज्मोडियम, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूरे पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, और यह क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया था। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, पूर्ण पाचन का स्थल जो है निम्नलिखित में से कौन है, पूरे पाचन के कहां पे पूर्ण रूप से पाचित हो जाता है, तो वह छोटी आंत क्षुद्रांश में हो जाता है, क्षुद्रांश में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखिए 2015 में पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन पूछा गया था कि खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण आपको ये बताना है। देखिए जो खुला परिसंचरण होता है वह काकरोच में पाया जाता है ना, यानी कि ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा कि वह काकरोच में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, वह काकरोच में पाया जाता है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी का देखिए कह रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का उपचय का नियंत्रण करता है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और आपको इसका जवाब फटाफट तरीके से बता देना है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा थायरोक्सिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था और हम लोग 49वें नंबर क्वेश्चन पे पूछ चुके हैं, क्योंकि 50-50 क्वेश्चन हम लोग को करके, मतलब कि बहुत अच्छे से तैयारी हम लोग कर लेना हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की हम लोग को, मतलब कि बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग को क्या कर लेनी है, तैयारी कर लेनी है। पर डाउनलोड करने के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है, गूगल क्रोम में DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है वो आपको सर्च करना है, तो आपके सामने फटाफट ओपन होकर क्या आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, तो आपको DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक करना है, न कि कहीं और। DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है इस प्रकार से जो 3 डॉट जो देखने को यहाँ पे मिलेगा, वैसे तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, लेकिन आपको एक आसान तरीके बता देते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है कि 3 डॉट पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे कीजिएगा तो यहां पे देख सकते हैं आ चुका है कि डाउनलोड 10th मॉडल पेपर 2022 के लिए, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ यहां पे मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो जो भी चीज चाहिए, जैसे कि मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो मॉडल पेपर ओपन हो जाएगा, यहां पे अगर ऐड वगैरह आता है तो आपको बंद कर देना है। उसके बाद से देखिए नीचे जाना है तो आपको सबसे सब्जेक्ट पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट का आप पाना चाहते हैं, जैसे सबसे पहले साइंस है, साइंस पे क्लिक करके दिखा देते हैं, इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये आ चुका है मॉडल पेपर, और इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आ चुका है, और इसका उत्तर जो है भी आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे इसमें का जबरदस्त जो है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो काफी जबरदस्त है ना, तो ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिए और बहुत ही जबरदस्त है ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा, बड़ी मजा आएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन आ चुका है, जो भी आपका सही जवाब होगा उस पर आपको क्लिक करना है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सही है तो देखिए सही भी आ चुका है, गलत होता तो आपको बता देता है, फिर आगे जाना है ना, और इसमें एक आवाज भी उत्पन्न होगी, आपको बताएगा भी कि आपका सही उत्तर है या फिर गलत उत्तर है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो आपका सही है या फिर गलत है आपको यह आवाज आएगा अमिताभ बच्चन का, तो फटाफट से कीजिए। अभी पता है हीमोग्लोबिन के कारण, तो हीमोग्लोबिन कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर होगा, क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा
शेड्यूल। चलिए आगे बात करते हैं, अगला देखिए यह है लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो के लिए, है ना, आज के इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं है कि पूरा का क्वेश्चन लास्ट वीडियो। देखिए ये बता दें अभी तो आपका ये पार्ट वन के तरीके से हम बात करें तो ये अभी की पार्ट वन है, मतलब इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना, पार्ट वन टू थ्री फोर फाइव करके जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है, मतलब बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको बताया जाएगा जिससे कि आपको दिखा, ठीक है। तो आपको बताना है इसका जो उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल बताइए कि पित्त रस कहां से स्रावित होता है, आपको ये बताना है। तो देखिए पित्त रस के बारे में बात करते हैं, पहले तो ऑप्शन आपको दिखा देते हैं कि ऑप्शन आप देख लीजिए। देखिए ऑप्शन है कि अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत में से कोई, तो पित्त रस जो है स्रावित किससे होता है, यकृत से, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका 50 क्वेश्चन जो आपका साइंस का है, इसके बाद और भी सब्जेक्ट का आएगा, जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, है ना, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, सबका आएगा, सबका आएगा, एक एक करके बारी बारी से आएगा। जो वीडियो अपलोड है वो देखिए, है ना, इसके पहले जो अगर आप बाद में आए हैं, लेट से आए हैं, मतलब उस दिन के बाद आप हमारे से जुड़े, तो इसके पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड होगा, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इस चैनल पे अपलोड है, बस चैनल को आपको सिर्फ सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, मार्शल सती का नाम लेकर के बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना होगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के हमारे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।